जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक कि सबरीमाला में वुमेन के एंट्री के ऊपर बैन एक्चुअल में क्यों है। कई सारे एक्टिविस्ट ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि क्यों इसमें बैन है, और कई सारी आज की जो लड़कियां हैं जो इस संस्कृति में बिलीव करती है उनके मन में भी ये सवाल आता है कि वो तो भगवान है और वो भगवान होके औरतों में और पुरुषों में डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, और यदि डिस्क्रिमिनेशन कर भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिए जाते हैं कि वो ब्रह्मचारी है और वो ब्रह्मचारी होने की वजह से उन्हें अपना ब्रह्मचर्य मेंटेन करना है, इसीलिए औरतों को वहां पे जाना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारे जवाब बहुत आधे अधूरे लगते हैं, ये संपूर्ण जवाब नहीं है। तो इसे हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है या क्या फिर ये साइंस है, और ये साइंस है तो ये वुमन बॉडी के लिए क्यों ज्यादा हार्मफुल है और क्यों औरतों को वहां नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो लॉर्ड अयप्पा को समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि लॉर्ड अयप्पा जो है वो संतान है हरिहरा की, यानी कि हरि यानी कि विष्णु जी, हरा यानी कि शिव जी, इन दोनों की संतान जो यानी कि हरि जी यानी विष्णु जी जब अपने मोहिनी अवतार में थे और शिव जी के साथ जब उनका विवाह हुआ तो उनसे जो पैदा हुए, दैट इज व्हाट अ लॉर्ड अयप्पा इज। लॉर्ड अयप्पा का एक और नाम है, दैट इज द शास्ता, उन्हें हम शास्ता प्रभु के नाम से भी जानते हैं, धर्मशास्ता भी उन्हें कहते हैं। तो इनके मंदिर में एक्चुअल में फ्रॉम द एज ऑफ 10 अप टू द एज ऑफ 60 जाना अलाउड नहीं है औरतों को। ये एज स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुएटिंग एज होती है। अब इसका साइंस से क्या संबंध है इसे हम समझते हैं। इस बात को समझो कि हमने स्पिरिचुअलिटी और साइंस को हमेशा अलग अलग रखा है, लेकिन जब हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं, जब हम किसी भी इस राष्ट्र के शास्त्र को पढ़ते हैं, संस्कृति के शास्त्र को पढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी को इसी साइंस का एक भाग समझा गया है। विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग नहीं समझा गया है, वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इस बात को बड़ा ध्यान से समझो, आयुर्वेदा कहता है कि आपका शरीर दो तरह से आपके साथ में प्रेजेंट होता है, एक होता है आपका स्थूल शरीर और दूसरा होता है आपका सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर यानी वो शरीर जिसे हम हाथ लगा पा रहे हैं, जिसमें आपका ऑर्गन और सारी वो चीजें आ गई। सूक्ष्म शरीर वो होता है जिसे आप छू नहीं सकते, है ना। वो सूक्ष्म शरीर इज डिफाइंड बाय योर स्पिरिचुअलिटी, वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है, और आपका स्पिरिचुअलिटी आपके फिजिकल शरीर के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर करता है। अब हम ये समझेंगे कि किसी भी मंदिर को जब बनाया जाता था उसे आगम शास्त्र के हिसाब से बनाया जाता था, और आगम शास्त्र का ही एक छोटा सा हिस्सा है वो है आपका वास्तुशास्त्र। आगम शास्त्र के हिसाब से सारे मंदिर बनाए जाते थे। आगम शास्त्र में बनाए गए हुए मंदिर वो आपके शरीर के साइंस के हिसाब से बनाए जाते थे कि वो आपके स्पिरिचुअल वेलबींग के ऊपर असर करे, और वही स्पिरिचुअल वेलबींग आपके फिजिकल वेलबींग के ऊपर संपूर्णतः असर करे, उसी तरह से इसे बनाया जाता था। इसमें तंत्र शास्त्र का इस्तेमाल होता था। अब आप तंत्र कहोगे कि वो अकल्ट है या ब्लैक मैजिक है, नहीं बाबू, अकल्ट और ब्लैक मैजिक जो है वो एक्चुअल में ओनली एंड ओनली वन काइंड ऑफ साइंस है। अब साइंस आप अच्छे से इस्तेमाल करो या बुरे तरह से इस्तेमाल करो। अब हम आगे चलते हैं, वो ऐसे कि किसी भी मंदिर को हम एक जागृत पुरुष कहते हैं, इसीलिए हम उसे वास्तु पुरुष का नाम भी देते हैं। यानी कि जिस किसी भी मंदिर में हम लोग जाएंगे तो वो जो पुरुष है वो वहां पे जीवित फॉर्म में है, है ना। हमने उसे इस साइंस के हिसाब से बनाया है और वो हमारे शरीर के ऊपर असर कर सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम इन चीजों को अच्छे से समझे तो किसी भी मंदिर को जब हम समझते हैं तो किसी भी मंदिर को बनाते वक्त उस मंदिर को स्पेसिफिकली इसी तरह से बनाया जाता है कि उसका एंट्रेंस पॉइंट यानी कि उसके पैरों के पास होता है। समझ में आ रहा है? एक पुरुष को इमेजिन करो, वो इस तरह से बैठेगा कि उसका एंट्रेंस पॉइंट उसके पैरों के पास रहेगा। देन उसके जेनिटल सेक्शन जो है, दिस इज फॉर द फ्लैग, दैट इज फॉर द ध्वजा, ये ध्वजा भाग है। देन कम्स द हमारे नेवल और जेनिटल के बीच वाला हिस्सा जो है, दिस सेक्शन इज फॉर द मंडपा, यानी कि ये ओपन स्पेस रहेगी। ओके, इतना सेक्शन ये ओपन स्पेस रहेगा यहां तक। देन कम्स योर हार्ट सेक्शन, यहां से पूजा परफॉर्म की जाती है।
देन केम कि आपका थ्रोट वाला सेक्शन, और फिर आता है यहां से गर्भगृह शुरू होता है जहां पे भगवान रखा जाएगा, इतना बड़ा नहीं होता है, मतलब यही से शुरू होता है, एंड देन कम्स ये वाला सेक्शन आईब्रो के बीच वाला जहां पे एक्चुअल में मूर्ति स्थापित की जाती है। अब समझ में आ रहा है? अब ये सारी चीजें इसी फॉर्म में, इसी वे में क्यों होती है, इसे हम समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर में चक्रों का समावेश है। यदि आप सिर्फ भक्ति मार्ग के हिसाब से सबरीमाला में जाना चाहते हो, भक्ति मार्ग इज मोर ऑन मोर प्रेजेंट ऑन एन इमोशनल एस्पेक्ट, भक्ति मार्ग इज मोर ऑन मोर प्रेजेंट ऑन एन इमोशनल एस्पेक्ट कि मुझे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, मैं घर में बैठ के हरि नाम करूंगा तब भी मुझे हरि मिलेंगे। चार मार्ग दिए गए हैं भगवान के पास पहुंचने के, या फिर आप ब्रह्म के पास कह लो या फिर एनलाइटमेंट के कह लो, चार मार्ग दिए हैं। भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग यानी कि आप अपने कर्म अच्छे से करो आपको तब भी मुक्ति मिल सकती है, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, देन उसके बाद एक आता है आपका राजयोग मार्ग। राजयोग मार्ग वो होता है, और एक चौथा आता है ज्ञान मार्ग। राजयोग मार्ग वो होता है कि विद द हेल्प ऑफ योगा एंड मेडिटेशन यू विल डेवलप द चक्र इनसाइड योर बॉडी एंड दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग एन एनलाइटमेंट। अब समझ में आ रहा है? तो ये जो मंदिर होते हैं, इन मंदिर में स्पेसिफिकली चक्र के हिसाब से सारी चीजें डेवलप की जाती है। अब आप सबरीमाला जैसे एक विशिष्ट मंदिर में जब भी जाते हो, किसी भी विशिष्ट मंदिर में जाते हो, जब ये कहा जाता है ना पीके मूवी में कहा गया था कि इतने दूर जाने की क्या जरूरत है, तो इस बात को समझो, किसी भी विशिष्ट मंदिर में इन षट चक्रों में से किसी भी एक चक्र के ऊपर फोकस किया जाता है। इसीलिए जब कहा जाता है ना कि आपको बच्चे नहीं हो रहे तो आप फलाने मंदिर में चले जाओ, यहां नहीं हो रहा तो इस फलाने मंदिर में चले जाओ, तो वो मंदिर में जाने के पीछे साइंस होता है। उस साइंस को हम एक एक चक्र के हिसाब से समझेंगे, फिर सबरीमाला से इसका क्या कनेक्शन है उसे समझते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे नीचे यानी कि जेनिटल सेक्शन में आने वाला, हमारा जो जेनिटल सेक्शन में आने वाला नीचे के भाग में जेनिटल सेक्शन में आने वाला जो चक्र है दैट इज द मूलधारा, ये होता है आपका मूलधारा। दिस इज प्रेजेंट नियर योर जेनिटल सेक्शन। देन होता है हमारा, है ना, देन होता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, ये आपके कमर के सेक्शन में होता है, ओके। अब ये दो चक्र जो है, दीज चक्रास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसीलिए कामाख्या के टेंपल में, इसीलिए भगवती टेंपल में जब भी यह कहा जाता है कि किसी औरत को मेंस्ट्रुएटिंग एज में प्रॉब्लम्स हो रही है तो उस मंदिर में भेजा जाता है, बिकॉज वो मंदिर स्पेसिफिकली इन दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब इन दो चक्रों के लिए ही बनी है, योर जेनिटल एंड तुम्हारा जो अपर भाग है जहां पे फीमेल में ओवरी और हमारे यहां पे भी हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सपोर्ट करने वाले ऑर्गन यहां पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जिन फीमेल्स को दिक्कत हो रही होती है वो भगवती टेम्पल या कामाख्या टेम्पल में जाते हैं, वहां पे स्पेसिफिकली उन्हीं चक्र के ऊपर एनर्जी प्रेजेंट है। अब आगे समझो, देन कम्स योर मणिपुर चक्र विच इज प्रेजेंट इन योर नेवल सेक्शन, देन केम योर अनहत चक्र विच इज प्रेजेंट इन योर हार्ट सेक्शन, देन कम्स विशुद्ध चक्र इट इज प्रेजेंट नियर योर थ्रोट, एंड देन कम्स द आग्नेय चक्र which is present near your between the eyebrow, ये eyebrow के बीच में होता है, which is present between the eyebrow, और कभी भी मूर्ति यहां पे रखी जाती है। लेकिन इसका सबरीमाला से क्या संबंध? अब इस बात को हम अच्छे से और समझते हैं। आपको ये तो समझ गया होगा कि एक एक स्पेसिफिक टेम्पल जो होता है वो स्पेसिफिक टेम्पल एक एक पॉइंट को एलिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आयुर्वेदा में एक चीज कही जाती है, जैसे आप नो फैप करते हो यानी कि नो मास्टरबेशन, एब्सेंट फ्रॉम द सेक्सुअल एक्टिविटीज, ये दोनों इसमें होता है। जब आप अपने अंदर में अपने बीज को, अपने सीड को, जिससे एक नई चीजों का आप निर्माण कर सकते हो, एक नई जिंदगी का आप निर्माण कर सकते हो, उसे जब आप पकड़ के रखते हो, इट हेल्प्स यू इन डेवलपिंग द ओज शक्ति, जिसे हम ओजस कहते हैं। बट फॉर दैट सीड शुड ट्रेवल इन अपवर्ड डिरेक्शन, आयुर्वेदा में इसके ऊपर कहा गया है, ब्रह्मचर्य फॉलो की जाती है ना, तो दैट शुड ट्रेवल इन अपवर्ड डिरेक्शन। वो अपवर्ड डिरेक्शन में जब ट्रेवल करता है, व्हेन इट रीचेस योर हेड, जब आपके ब्रेन तक वो पहुंचता है,
दैट गिव्स यू अटल एनर्जी, ओके, उसे ऊर्जा शक्ति कहते हैं। अब सबरीमाला के टेंपल में जितने लोग भी जाते हैं, वो सिर्फ सबरीमाला के टेंपल में नहीं जाते, इस बात को समझो, वो छह मंदिरों में जाते हैं, छह मंदिरों की यात्रा होती है, उन छह मंदिरों में उन्हें जाना पड़ता है। यात्रा आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम द सोरीमुथु टेंपल, दैट इज इन तिरुवन्नलई, और ये चक्र होता है आपका मूलधारा चक्र। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 41 दिनों की पूरी यात्रा होती है, जिसमें सबसे पहले सोरीमुथु टेंपल में जाना पड़ता है, वहां पे माला धारणा यानी माला पहननी पड़ती है, और उसी के साथ में आप उस टेंपल में जाते हो। देन कम्स द अचनकोविल टेंपल जो कोल्लम केरला में है, दिस इज फॉर द स्वाधिष्ठान चक्र, नेक्स्ट चक्र के लिए। देन देयर इज अ अरण्यकवु टेंपल, वो भी कोल्लम में है, दैट इज फॉर द मणिपुर चक्र। देन यू गेट इन टू द श्री कुलतपुज बाल शास्ता, शास्ता यानी कि अयप्पा का एक और नाम है शास्ता, है ना, दैट इज फॉर द अनहत चक्र। एंड देन यू गो टू द श्री धर्म शास्त्र एरुनल टेम्पल, दैट इज फॉर द विशुद्ध चक्र। और सबसे आखिरी में आता है आपका सबरीमाला, दैट इज फॉर द आज्ञ चक्र। अब इस बात को समझो, इन छे के छे टेम्पल को इसी डिरेक्शन में आपको ये यात्रा करनी पड़ती है। आप इन चक्रों को घर में रह के वाया मेडिटेशन भी डेवलप कर सकते हो, बट वेन यू एंटर इन सच टेम्पल्स, इस पूरे के पूरे जर्नी में आपके ओजा शक्ति को पुश मिलता है और आप इन चीजों को बहुत स्पीड में डेवलप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे टेम्पल आपके स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली इफेक्ट करता है ना, समझ लो, व्हेन द वुमन इज इन रिप्रोडक्टिव एज, उसका काम क्रिएशन होता है ना, तो बॉडी की एनर्जी एक्चुअली उस समय पे क्रिएशन के ऊपर ज्यादा फोकस होती है। अब आज्ञ चक्र जो है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर असर करता है, क्योंकि बीच में है, ये जो आज्ञ चक्र का साइन है वो पर्पल कलर में होता है, आज्ञ चक्र इसी तरह से रिप्रेजेंट होता है, वो आपके सीधे सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर फोकस करता है। और जब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर फोकस होता है तो आपका LH हार्मोन यानी L हार्मोन, ल्यूटेजिन हार्मोन जो होता है, दैट इज वो एक्टिव हो जाता है, और उसके एक्टिवेशन से वो ट्रिगर होता है, वो जब ट्रिगर होता है तो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर से समझा रहा हूं, जब आपके आज्ञ चक्र के ऊपर फोकस होता है, इट हेल्प्स यू, वो आपका LH ट्रिगर करता है, दैट इज ल्यूटेजिन हार्मोन, और आपका ल्यूटेजिन हार्मोन अगर एक बार ट्रिगर हो जाता है तो ल्यूटेजिन हार्मोन ट्रिगर होने के बाद में आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर कोई लड़का है उसके लिए खुशी की खबर है, लेकिन अगर LH हार्मोन, आप जाके इंटरनेट पे सर्च भी कर देना, अगर LH हार्मोन वुमन में बढ़ जाता है तो उसके मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। LH हार्मोन बढ़ने की वजह से बॉडी ग्रोथ, बॉडी हेयर ज्यादा होना, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पीरियड में कम ज्यादा हो जाना, ये सारी चीजें देखी गई है। इसीलिए ये सारे मंदिर एक प्रॉपर साइंस में डेवलप किए गए थे, और इसीलिए सबरीमाला में मेंस्ट्रुएटिंग एज में औरतों को अलाउड नहीं किया जाता। अब आप कहोगे कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन व्हाई वुमन आर आल्सो नॉट अलाउड इनसाइड द टेंपल व्हिच इज प्रेजेंट इन देयर विलेजेस, और उनके गांव में प्रेजेंट रहने वाले, फिर घर के रहने वाले क्यों अलाउड नहीं है, इस बात को भी आप अच्छे से समझो। गांव में रहने वाले जितने भी मंदिर है, अगर वो पुराने है तो उसे बनाया इसी तरह से जाता था कि वो आपके शरीर के हर चक्र के ऊपर प्रॉपरली, वो आपके शरीर के हर चक्र के ऊपर प्रॉपरली एनर्जी फोकस करे। बट व्हेन यू आर इनटू द मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल, आपके नीचे के दो चक्र, दैट इज मूलधारा और उसके ऊपर का चक्र, ये कमजोर होता है। अगर ऐसे कमजोरी में आप मंदिर में जाते हो, उस समय पे आपके पीरियड्स पे हार्म हो सकता है, आपके उस ऑर्गन के ऊपर हार्म हो सकता है, इसीलिए आपको टेंपल्स में जाने से रोका जाता है, आपको भगवान के पास जाने से रोका जाता है। इट हैज टू डू नथिंग विथ योर पीरियड्स, बट देयर आर फ्यू टेंपल्स एज वेल जहां पे आप मेंस्ट्रुएटिंग फॉर्म में भी जा सकते हो, जब मेंस्ट्रुएशन में होते हो तब भी आप जा सकते हो। उसका कारण यही होता है कि दो टेंपल्स
आर हेल्पफुल टू यू, वहां के चक्र के लिए वो हेल्पफुल होता है। इसीलिए सबरीमाला में वुमन को अलाउड नहीं करते हैं विच आर इन मेंस्ट्रुएटिंग एज, ताकि उनके आज्ञा चक्र के ऊपर अगर असर हो जाता है दैट कैन हैम्पर देयर रिप्रोडक्शन साइकिल। समझ में आया? तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि सबरीमाला में क्यों नहीं जाने देता। अगर आप कह रहे हो कि आप एथिस्ट हो और ये सब बकवास है, तो आपको मंदिर में जाने की वैसी भी जरूरत नहीं, खाली फोकट टाइम पास करो मत। अगर आप भगवान के ऊपर मान रहे हो या फिर इस संस्कृति को मान रहे हो, तो राजयोग में अगम शास्त्र, तंत्र शास्त्र, आयुर्वेदा, मंदिर डेवलपमेंट, इन सब के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आप भक्ति मार्ग से सिर्फ इमोशनल एस्पेक्ट के ऊपर सारी चीजें नहीं कर सकते। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।